ईद के त्यौहार को लेकर आज पे सिटी और कटघड़ सीओ के नेतृत्व में बुलाई गई पीस कमेटी की बैठक, दिए गए आवश्यक निर्देश। मुरादाबाद जनपद के दसराय चौकी क्षेत्र के एक मरीज हाल में ईद के त्यौहार को लेकर थाना कटघर पुलिस क्षेत्र अधिकारी और एसपी सिटी के नेतृत्व में पीस कमेटी की बैठक संपन्न की गई, जिसमें थाना कटघर क्षेत्र के सभी सम्मानित लोग एवं मुस्लिम धर्मगुरु के साथ संप्रभात व्यक्ति बैठक पर मौजूद रहे। वहीं ईद के त्यौहार पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील की गई, जहाँ पर आगामी ईद के त्यौहार को लेकर पुलिस क्षेत्र अधिकारी अखिलेश तिवारी और एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया के नेतृत्व में पीस कमेटी की बैठक संपन्न की गई। बैठक में हिंदू मुस्लिम धर्म के सभी सम्मानित लोग मौजूद रहे। क्षेत्र के लोगों ने बैठक में अपनी बात रखते हुए कहा कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब का मुल्क है। इस मुल्क में रहने वाले सभी मजहब के लोग एक दूसरे के त्यौहार में शामिल रहते हैं, यही हमारे मुल्क की पहचान और शान है। लेकिन कुछ शरारती तत्व हमारे इस भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे शरारती लोगों पर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे, उनको सजा देने का काम करे। एसपी सिटी ने सभी को ईद के त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई है और कहा कि अगर कोई भी ईद के त्यौहार पर अराजकता फैलाता है, उनकी गुप्त सूचना पुलिस को दें। अराजकता फैलाने वाले के खिलाफ पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। भाजपा अलसर मोर्चा जिला मंत्री महानगर, आज जो हमारी मीटिंग रखी गई, ये थाना कटघर क्षेत्र दसराय पुलिस चौकी की जो सम्राट नागरिक थे उनके साथ रखी गई, जो आगामी जो त्यौहार है हमारे ईद और अक्षय तृतीया, ये दोनों एक साथ पड़ रहे हैं, इसको लेकर आज हमारे एसपी सिटी सीओ साहब और थाना कटघर प्रभारी और तो दसराय चौकी इंचार्ज साहब, इनके साथ सभी सम्मानित नागरिकों की मीटिंग रखी गई। इन्होंने सब ने अपने सुझाव रखे, बोले दोनों त्यौहार हम एक साथ मिलजुल कर मनाएं। मैं सब भारत अपने महानगर वासियों को सबको ईद की आगामी दोनों त्यौहारों की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज यहाँ चौकी दसराय क्षेत्र में करोड़ा क्षेत्र में यहाँ हम लोगों ने आज ये मीटिंग रखी थी। इस क्षेत्र के सभी मौजूद लोग इसमें शामिल हुए और जो आगे आने वाले त्यौहार हैं ईद और अलविदा की नमाज, सबको लेके हम लोग बात हुई। यहाँ पर बहुत अच्छी खुशनुमा माहौल में ये मीटिंग हुई और सभी लोग इसमें सभी ने पार्टिसिपेट किया है। उन लोगों की बातें जानने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मीटिंग हम लोग आके इसी चौकी क्षेत्र में किस करेंगे और यहाँ आज मीटिंग हुई है ये, और सभी लोगों की बातें हम तक आई हैं और हम लोग जो भी व्यवस्थाएँ जैसे करते रहे हैं वो व्यवस्थाएँ करेंगे और बहुत अच्छी तरह से आगे आने वाले त्यौहारों के समय हम लोग व्यवस्था रखेंगे। जी हाँ, जो सुझाव दिए गए हम लोगों ने नोट कर लिए हैं और उन पर अमल किया जाएगा। पुलिस प्रबंध ठीक रहेगा और सब लोग अच्छे से त्यौहार मनाएं, ये हमारी कोशिश रहेगी।